सरकार कह रही है अगर आपने 10 करोड़ रुपया बैंक में जमा कराया तो उस पर टैक्स लगेगा और 200% पेनल्टी लगेगी। 30% टैक्स लगेगा, 200% पेनल्टी का मतलब 60% पेनल्टी, मतलब टोटल 90% हो गया। तो अगर 10 करोड़ रुपए का काला धन अगर आप बैंक में जमा कराओगे तो आपको 1 करोड़ रुपया बैलेंस बचेगा, बाकी 9 करोड़ रुपया सरकार ले लेगी। मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर कोई भी काला धन रखने वाला इस सौदे से मंजूर होने वाला है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, डॉलर ब्लैक में मिल रहा है दिल्ली के अंदर 120 रुपए में, लोग डॉलर खरीद रहे हैं। जिस जिसके पास काला धन है वो डॉलर खरीद रहा है। एक नंबर में 30,000 रुपये तोला सोना बिक रहा है, लेकिन अगर आप कैश में लेने जाओ तो आज 60,000 रुपये तोला बिक रहा है, तो लोग सोना खरीद रहे हैं। दो नंबर के अंदर प्रॉपर्टी के दाम मार्केट के अंदर ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। तो पहली चीज, जिस जिसके पास काला धन है और उसकी कहीं सेटिंग नहीं है, वो आज मार्केट में चला जाए, वो डॉलर खरीद रहा है, वो सोना खरीद रहा है, वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है। इस तरह से 50% उसका, मतलब आज अगर 68 रुपये डॉलर है और वो 120 रुपये में बिक रहा है, तो एक तरह से 50% उसका काला धन वाइप आउट हो गया। ये इंप्लीमेंटेशन जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट किया गया है ताकि लोग दौड़े दौड़े इनके दलालों के पास पहुंचे। आज एटीएम के अंदर पैसा नहीं आ रहा, ये तो साधारण सी कॉमन सेंस वाला इंसान भी जानता है कि ये एटीएम जो है ये एग्जिस्टिंग 500, 1,000, 100 रुपए के नोट के लिए डिजाइंड है, ये नए 2,000 के नोट के लिए डिजाइंड नहीं है, ये नए 500 रुपए के नोट के लिए डिजाइंड नहीं है। इतने बड़े स्तर के ऊपर एटीएम की मशीनों को कैसे अब रिकन्फिगर किया जाएगा, नहीं हो सकती रातों रात। तो इनको पता नहीं था कि ये क्राइसिस होने वाला है, इनको पता था, जानबूझ के इस देश के अंदर क्राइसिस पैदा किया गया है ताकि सब लोग इनके दलालों के पास भागें और अपना अपना नोट चेंज कराने की कोशिश करें। कई महीनों से डिपॉजिट्स नीचे जा रहे थे और अचानक जुलाई से सितंबर वाले, वही लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, अक्टूबर नवंबर का डेटा अवेलेबल नहीं है, अचानक जुलाई से सितंबर वाले महीनों में, 3 महीनों में डिपॉजिट्स एकदम से जंप किए हैं। और 1% 2% डिपॉजिट का मतलब कई 1,000 करोड़ रुपए है। जैसे स्टेट बैंक का ही 14-15 लाख करोड़ रुपए का टोटल डिपॉजिट्स होता है, तो 1-2% का आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने मैसिव स्तर के ऊपर जुलाई से सितंबर के क्वार्टर में पैसा जमा किया गया। ये पैसा किसका पैसा था? एक मन में ये डाउट हो सकता है कि जुलाई से सितंबर वाला वही क्वार्टर था जिसमें इनकम डिक्लेरेशन स्कीम आई थी। इसको आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। कुछ लोगों से जब मैंने सुबह बात की, उन्होंने कहा जी वो पैसा जमा हुआ था इस वजह से स्पाइक आया है। वो पैसा डिपॉजिट्स में नहीं आता, वो पैसा सीधे गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है। तो जो ये पैसा आया ये केवल और केवल डिपॉजिट्स था, इंडिविजुअल्स का, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का डिपॉजिट था।